Today I will tell you how to auto caption and subtitle generate in one click, so let's get started. Guys, कुछ स्टेप्स Instagram और YouTube में शॉर्ट देखे होंगे जहां पर ऑटो कैप्शन एड रहता है एंड सब टाइटल एड रहता है. तुम भी कुछ इस टाइप से ऑटो कैप्शन लगा सकते हो वन क्लिक में. आज मैं इस वीडियो में तुम्हें फुल प्रोसेस बताने वाला हूं, और जो भी इस वीडियो में प्रोसेस बताने वाला हूं वो प्रोसेस फ्री है. तुम्हें किसी ऐप का सब्सक्रिप्शन कुछ लेना नहीं है, एकदम फ्री से तुम इस वीडियो को बना सकते हो और ऑटो कैप्शन एंड सबटाइटल ऐड कर सकते हो. वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तुम कैपकट ले लेना होम स्क्रीन पे आके. उसके बाद जो भी तुम्हारा पॉडकास्ट है उस पॉडकास्ट को तुम ऐड कर लेना जिस भी वीडियो पे तुम ऑटो कैप्शन लगाना चाहते हो. तो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे आ जाना, न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना, और जो भी तुम्हारा पॉडकास्ट वीडियो है उस वीडियो को तुम ऐड कर सकते हो आराम से. उसके बाद में ऐड करके यहाँ पर आ जाना, और थोड़ा यहाँ पर स्क्रॉल करके यहाँ पर ओपेसिटी पूरा लो कर देना है. यहाँ पर ओपेसिटी पूरा लो कर देना. उसके बाद में यहाँ पर लो क्वालिटी में वीडियो को यहाँ पर पूरा लो क्वालिटी कर लेना. उसके बाद में वीडियो को सेव कर देना. एक्सपोर्ट कर देने के बाद में प्ले स्टोर से तुम जीमो ऐप को डाउनलोड कर लेना. तुम्हें प्ले स्टोर में आसानी से जीमो ऐप मिल जाएगा, और तुम इसे आसानी से इंस्टॉल कर लेना. इंस्टॉल कर देने के बाद में तुम यहाँ पर आ जाना, और यहाँ पर नेक्स्ट करते जाना. यहाँ पर जितना भी नेक्स्ट है, नेक्स्ट गेट स्टार्ट करते यहाँ पर तुम कंटिन्यू विथ गूगल कर देना. ईमेल आईडी से लॉगिन हो जाने के बाद में तुम्हें कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा. तो यहाँ पर तुम न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट मत करना, यहाँ पर तुम आ जाना, और यहाँ पर तुम्हें बहुत सारा कैप्शन टेम्पलेट देखने को मिल जाएगा. तो तुम्हें जिस भी टेम्पलेट को अच्छा लग रहा है उस टेम्पलेट तुम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना. सेलेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा टेम्पलेट है. तुम्हें जिस टाइप से ऑटो कैप्शन चाहिए यहाँ पर वन क्लिक में, उस टाइप से ऑटो कैप्शन सब टाइप से तुम्हें ऑटो कैप्शन देखने को मिल जा रहा है इमोजी के साथ. तो यहाँ पर तुम टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना. उसके बाद में ट्राई इट नाउ कर देना, और थोड़ा देर वेट कर लेना. यहाँ पर तुमको जो भी पॉडकास्ट तुम कैपकट से सेव किए थे, एक्सपोर्ट किए थे, उस पॉडकास्ट को तुम यहाँ से ऐड कर लेना और नेक्स्ट कर देना जिसमें तुम्हें ऑटो कैप्शन डालना है. नेक्स्ट कर देना. नेक्स्ट कर देने के बाद में कुछ स्टेप से देखने को मिल जाएगा. यहाँ पर स्पोकन लैंग्वेज सेलेक्ट करना जो वीडियो का लैंग्वेज है, और यहाँ पर हिंदी है तो वीडियो का लैंग्वेज तो हिंदी सेलेक्ट कर लेना. तो यहाँ पर मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से. यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेने के बाद में यहाँ पर पॉडकास्ट वीडियो में अगर तुम इमोजी चाहते हो तो तुम इसे इनेबल कर देना, अगर इमोजी नहीं चाहते हो वीडियो में तो इसे ऑफ कर देना. देन रिकनाइज पे क्लिक कर देना. यहाँ पर रिकनाइज नीचे पे देखने को मिल जा रहा है, तो यहाँ पर क्लिक कर देना. क्लिक कर देने के बाद में थोड़ा वेट कर लेना, यहाँ पर अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा. ऑटो कैप्शन जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा वेट कर लेना. यहाँ पर तुम्हें जनरेटिंग सबटाइटल देखने को मिल जाएगा, और तुम्हें थोड़ा देरी के बाद में कुछ इस टाइप से तुम्हारा सबटाइटल जनरेट होके आ जाएगा. यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो कैप्शन कितना अच्छा लग चुका है, जो यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज है तो हिंदी में लग चुका है. यहाँ पर मेरा सबटाइटल पूरा हिंदी में लग चुका है. तो हमें इसे इंग्लिश में करने के लिए सीधे हम लोग सबटाइटल पर यहाँ पर क्लिक कर लेंगे. क्लिक करने के बाद में एडिट टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे. उसके बाद में यहाँ पर जो भी हिंदी में हम लोग का सबटाइटल है उसे हम लोग यहाँ पर टाइप करके इंग्लिश कर देंगे. यहाँ पर रिकनेक्ट करेंगे, यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग कर देंगे. तो हम लोग का सबटाइटल जो भी है ऑटो कैप्शन लगा है हिंदी में वो इंग्लिश हो जाएगा. कुछ इस टाइप से देख सकते हैं यहाँ पर पूरा तुम्हें इंग्लिश में सबटाइटल चाहिए, ऑटो कैप्शन पूरा इंग्लिश में चाहिए. तो सारा तुम यहाँ पर सबटाइटल में आ जाना. उसके बाद सबटाइटल का पूरा तुम यहाँ पर जो भी टेक्स्ट है उसे तुम इंग्लिश में चेंज कर देना. यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पूरा हिंदी में है, तो तुम इंग्लिश में यहाँ पर रीटाइप कर लेना. जो भी यहाँ पर हिंदी है जैसा है वैसे तुम इंग्लिश में टाइप कर देना. पूरा पॉडकास्ट वीडियो में तुम्हारा इंग्लिश में सबटाइटल लग जाएगा. अब मैं तुम्हें यहाँ पर रीटाइप इसलिए कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें इंग्लिश में सबटाइटल दिखा सकूँ, इसलिए मैं यहाँ पर रीटाइप करके तुम्हें इंग्लिश में सबटाइटल दिखा रहा हूँ. थोड़ा दूर ही पूरा वीडियो में मैं इंग्लिश टाइपिंग नहीं करूँगा. तुमको यहाँ पर टेक्स्ट या टेम्पलेट तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर तुम स्क्रॉल करके यहाँ पर टेम्पलेट पे आ जाना. टेम्पलेट पे आ जाने के बाद में तुम्हें बहुत सारा टेम्पलेट मिल जाएगा. तुम कुछ टाइप से यहाँ पर देख सकते हैं, सब टाइप से तुमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा. तो तुम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो जो वाला तुम्हें पसंद है और अच्छा लग रहा है. पर तुम टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर जो भी टेम्पलेट तुम्हें अच्छा लगता है वो टेम्पलेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना. सेलेक्ट कर देने के बाद में तुम एक बार वीडियो प्ले कर लेना. उसके बाद में तुम यहाँ पर एक्सपोर्ट पे आ जाना और एक्सपोर्ट कर लेना. आराम से यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देना. एक्सपोर्ट कर देने के बाद में तुम यहाँ पर कैपकट एप्लीकेशन में फिर से आ जाना, और जो वीडियो तुम एडिट कर रहे थे उसका ओपेसिटी बढ़ा देना, और एड ओवरले पे आ जाना. और तुम अभी जीमो ऐप से अभी जो वीडियो सेव किए हो उस वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेना.
फिर से कैपकट एप्लीकेशन में आ जाने के बाद में तुम ऑटो कैप्शन वहाँ से जनरेट किए हो जीमो ऐप से, उस ऑटो कैप्शन वाला वीडियो को यहाँ पर ऐड करना है। ओवरले ऐड ओवरले पे आ जाना, उसके बाद में उस ऑटो कैप्शन वाला वीडियो को यहाँ पर ऐड कर देना। देन ब्लाइंड पे आ जाना, ब्लाइंड पे आ जाने के बाद में यहाँ पर तुम्हें ब्लेंड पे आ जाने के बाद में यहाँ पर तुम फिल्टर सेलेक्ट कर लेना, लाइटिंग सेलेक्ट कर लेना। तुम्हें लाइटिंग सेलेक्ट कर लेने के बाद में तुम्हारा कैपकट में जो ऑटो कैप्शन वाला वीडियो था वो ओवरले में ऐड हो जाएगा और कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा। तो यहाँ पर फिल्टर में तुम लाइटिंग सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर देख सकते हैं लाइटिंग कर देने के बाद में कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा। और तुम कलर एडजस्ट कर सकते हो ऑटो कैप्शन का, टेक्स्ट का तुम यहाँ से कलर एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद में तुम ऑटो कैप्शन वाला वीडियो को सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद में इधर स्लाइड करना, उसके बाद में ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तो तुम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म पर एक बार क्लिक कर लेना, ट्रांसफॉर्म पर क्लिक कर देने के बाद में तुम्हें क्रॉप देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर तुम आ जाना क्रॉप पे, फिर आ जाने के बाद में यहाँ पर क्रॉप कर लेना। जूमो ऊपर का साइड में तुम्हें लोगो देखने को मिल रहा है, तो तुम जूमो को यहाँ पर क्रॉप कर देना। क्रॉप कर देने के बाद में जूमो का लोगो यहाँ पर हट जाएगा और उसके बाद में ऑटो कैप्शन वीडियो को तुम अपना हिसाब से यहाँ पर सेट कर लेना और कलर उधर एडजस्टिंग कर लेना, और जैसे भी तुम्हें अच्छा लगता है जिस टाइप में रखने को तुम ऊपर या नीचे यहाँ पर ऑटो कैप्शन वाला वीडियो को रख सकते हो। क्रॉप कर लेना, उसके बाद में जिस टाइप से तुम्हें एडजस्ट करना अच्छा लगता है उस टाइप से तुम एडजस्ट करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना, वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना। और इसी टाइप से जो भी वीडियो को तुम सबटाइटल देना चाहते हो दे सकते हो।